बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। साद व्लॉग यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल 24 मई बरोज़ मंगल इस्लामाबाद में एक मीटिंग का आगाज़ हुआ, जिसमें सऊदी कौंसल जनरल ने शिरकत की। और ये मीटिंग सऊदी बायोमेट्रिक एप्लीकेशन के हवाले से थी, जिसमें बताया गया कि आप उस एप्लीकेशन को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सऊदी बायोमेट्रिक एप्लीकेशन क्या है और इसका क्या फ़ायदा है, मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊँगा। और एक छोटी सी वीडियो जो कि मिनिस्ट्री की जानिब से हमें रिसीव हुई थी, उस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप बायो एप्लीकेशन पर अपना डॉक्यूमेंट्स का इंदराज किस तरह से कर सकते हैं। मगर यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसका यह है कि तमाम हुजाज कराम अपना डाटा इस एप्लीकेशन के ज़रिए महफूज कर सकते हैं। इन फ्यूचर ये ई हज में भी आपका इस्तेमाल हो सकता है, और इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। तो सऊदी अरब की जानिब से ये एक अच्छा इकदाम है कि उन्होंने बायोमेट्रिक एप्लीकेशन का इजरा किया है, जिसमें तमाम हुजाज कराम अपना बायो डाटा उसमें फीड कर सकते हैं। अब वो वीडियो जो कि हमें मिनिस्ट्री की जानिब से रिसीव हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सऊदी वीज़ा बायो एप्लीकेशन जो कि सऊदी अरब की जानिब से इसका इजरा कर दिया गया है, इस वीडियो में आपको सारा तरीक़ाकार भी बताएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि एक QR कोड दिया है और एक लिंक भी उन्होंने नीचे दिया है। इस लिंक के ज़रिए आप अपने मोबाइल पर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जब ये डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद क्या तरीक़ाकार है वो भी आपको बताते हैं। जब आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे, आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। इस तरह से आप जिस मुल्क में हैं, आप अपने सबसे पहले लैंग्वेज का इंतखाब करेंगे। लैंग्वेज का इंतखाब करने के बाद जो मालूमात हैं, जो इसमें इंस्ट्रक्शंस आ रही होंगी, उनको आपने देखना है, पढ़ना है और उसको सबमिट कर देना है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो हाजी भी अपना इंदराज करवाना चाहता है इसमें, उसके लिए लाजमी है कि उनका ईमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल आईडी आपका होगा वो यहाँ पर आप उसका इंदराज करेंगे ईमेल आईडी का, फिर आपकी ईमेल के ऊपर एक लिंक आएगा, उस लिंक पर जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाएंगे। तो ये तरीक़ाकार आपके सामने है, इसको देखते रहिएगा प्लीज़। जब आप ईमेल कर चुके होंगे, देखें इस तरह से आपकी ईमेल के ऊपर एक ये लिंक आएगा, आपने उस लिंक को ओपन करना है। कुछ इस तरह से उसकी तस्वीर होगी। यहाँ पर आपने तीन उन्होंने मरहले यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि आप अपने पासपोर्ट का इंदराज किस तरह से कर सकते हैं, आप अपनी तस्वीर का इंदराज किस तरह से करेंगे और आप बायोमेट्रिक किस तरह से करेंगे। सबसे पहला मरहला है कि आपने अपना पासपोर्ट स्कैन कैसे करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि ऊपर दी गई जो तस्वीर है इसको फॉलो करें आप। एक तो जब आप तस्वीर बना रहे होंगे अपने पासपोर्ट की, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपकी जो है रोशनी वहाँ पर ज़्यादा ना हो और आपकी तस्वीर बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए पासपोर्ट की। और जो कैमरे की पोजीशन है उसको आपने यकीनी बनाना है कि जो दायरा या जो फ्रेम वहाँ पर उन्होंने दिया है, उस फ्रेम के अंदर अंदर पासपोर्ट की पूरी पूरी तस्वीर आपने बनानी है। जब आप अपना पासपोर्ट की तस्वीर खींच लेंगे, तो यहाँ पर आपने अपना बायोडाटा जो है, किस मुल्क से हैं, क्या वीज़ा नंबर है, मुख्तलिफ मामला जो भी हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें शो होंगी। आपने वन बाई वन उसको फिल करना है और उसके बाद उसको सबमिट कर देना है। और कुछ लोग जो गलती कर सकते हैं उसके हवाले से भी इस वीडियो में बताया गया है कि अगर आप अपना पासपोर्ट जब स्कैन कर रहे हों तो आप क्या गलती कर सकते हैं। आम गलतियां जो ये हैं कि जब आप पासपोर्ट की तस्वीर बना रहे होते हैं तो इस तरह का रोशनी का एक निशान आ रहा होता है, जिसकी वजह से पासपोर्ट सही तरह से स्कैन नहीं हो सकेगा और आपके पास स्क्रीन पे ये मैसेज आ जाएगा कि रोशनी की चमक या अक्स के बायस पासपोर्ट स्कैन नहीं हो सका या कैमरा ज़रूरत के मुताबिक फ्रेम पर पूरा नहीं आया। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। ठीक हो गया जी। उसके अलावा दूसरा मरहला ये है कि आपने अपनी ज़ाती तस्वीर यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो आपका जो पसे मंज़र हो, यानी आपका जो बैकग्राउंड हो, वो वाइट कलर में होना चाहिए या प्लेन होना चाहिए, ठीक है जनाब। और मुस्कुराते हुए या हरकत किए बगैर अपने चेहरे की वाज़े तस्वीर लेनी है। और अगर आपने ऐनक पहनी हुई है तो अपनी ऐनक उतार दें और चेहरे का कोई हिस्सा जो है वो ढपा ना रहे आपका। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और कुछ जो लोग गलती कर सकते हैं उसके हवाले से भी इस वीडियो में बताया गया है कि ज़ाती तस्वीर का मरहला मुकम्मल नहीं हो सका क्योंकि पासपोर्ट की तस्वीर और ली गई तस्वीर एक जैसी नहीं है। जब भी आप तस्वीर लें
तो जो आपके पासपोर्ट के ऊपर तस्वीर होनी चाहिए वही तस्वीर आपकी होगी, तो आपका ये यहाँ पर अपलोड होगा पिक्चर। और कोशिश कीजिएगा कि ये जो दायरा है इस दायरे के अंदर अंदर आपकी तस्वीर होनी चाहिए, और ना ज़्यादा मुस्कुराने वाली तस्वीर हो, बिल्कुल मोतदिल आपने रहना है और अपनी तस्वीर यहाँ पर आपने कैप्चर करनी है, ठीक है जी। और चेहरे पर ज़्यादा रोशनी भी नहीं होनी चाहिए, या अक्सर बाज़ुकात तस्वीर लेते हुए चेहरे पर साया आ जाता है तो वो भी तस्वीर यहाँ पर जो है नहीं उठाएगा सिस्टम। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि ब्राइटनेस वगैरह आपकी ठीक होनी चाहिए। और तीसरा मरला ये जो बड़ा इम्पोर्टेंट है वो है उंगली के निशानात आपने किस तरह से स्कैन करने हैं। जब आप इस ऑप्शन पर जाएंगे तो ये देखें इस तरह का ऑप्शन होगा। यहाँ पर आपने अपने सबसे पहले उल्टे हाथ के अंगूठे को लेके आना है। जब आपका अंगूठा स्कैन हो जाएगा तो इस तरह से नीचे यहाँ पर ये कलर चेंज हो जाएगा। जिस तरह से ये फिंगर्स का निशान आ रहा है यहाँ पर आपने अपनी फिंगर्स को लेके जाना है। जो जो फिंगर यहाँ पर होती जाएंगी वो यहाँ से नीचे आपको मालूम होता जाएगा कि आया मेरे हाथ की जो फिंगर्स हैं वो स्कैन हो चुकी हैं। इसी तरह से फिर उसके बाद आपने अपने सीधे हाथ का अंगूठा स्कैन करना है और इस दायरे के अंदर अंदर होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने बाकी उंगलियों को स्कैन करना है इस तरह से। जब ये आपकी उंगलियां स्कैन होना शुरू हो जाएंगी ये देखें इस तरह से ये कलर्स चेंज हो जाएंगे, जो कि सिस्टम वाजे करेगा कि आया आपके फिंगर स्कैन हो चुके हैं। फिर उसके बाद ये सारा आपका जो आपने फीडिंग वगैरह की है वो चीज़ आ जाएगी। अच्छा, कुछ लोग गलती भी करते हैं वो ये कि तस्वीर लेते हुए ज़्यादा रोशनी अगर आपके फिंगर पे आ रही है या ब्राइटनेस ज़्यादा है तो वो सिस्टम एरर दे देगा, जिसका ये मैसेज आएगा कि फ्रेम की मुवाफ़कत या रोशनी की ख़राबी के बाइस उंगलियों के निशानात मैच नहीं हो रहे। जब आप ये सारा मरहला कंप्लीट कर चुकेंगे तो उसके बाद आपका ये तस्दीकी एक मैसेज आ जाएगा कि आप तस्दीक करें, आप देखें आपके फिंगर्स वगैरह सिस्टम ने उठा लिए हैं, आपकी तस्वीर ठीक है, आपने जो बायोडाटा इंदराज किया था वो ठीक है, उसको आप सबमिट कर दें। सबमिट जैसे आप करेंगे तो आपके ईमेल के ऊपर आपको एक कोड रिसीव होगा जिसे इनरोलमेंट नंबर भी कहते हैं, जो इन फ्यूचर आपका काम आ सकता है ई हज के हवाले से भी। तो ये एक तफसीली वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि आप बायोमेट्रिक एप्लीकेशन पर अपना इंदराज किस तरह से कर सकते हैं, अपना पासपोर्ट आप किस तरह से मेंशन कर सकते हैं, तस्वीर कैसे मेंशन करेंगे और अपनी फिंगर्स को किस तरह से स्कैन करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर। वस्सलाम।